मसले बढ़ते जा रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि, और मुझे ये भी लगता है कि वो ठीक कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं। पाकिस्तान ने सिर्फ कर्जा ही तो लिया हर किसी से, और पे तो किसी को करता कुछ नहीं है। जैसे हर चीज़ को टक्कर देंगे। सर मुझे ये बताएं, चाइना तो दूर की बात है, आज की डेट में हम इंडिया को टक्कर दे सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के मामले में? मुश्किल है, लेकिन देखा जाए तो उनके भी पूरे इंडिया में इस टाइम इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल नहीं है। 100% अवेलेबल है, इवन कि विलेज एरियाज में। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। हिंदुस्तान रोज़ तरक्की के नए नए आयाम को छू रहा है। नई नई खबरें आ रही है कि भारत ने ये कि अचीवमेंट किया, भारत ने ये अचीवमेंट किया, भारत ने वो अचीवमेंट किया। ठीक इसके उल्टे हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान से खबरें आती है, आईएमएफ ने लोन देने से मना कर दिया, सऊदी अरब ने अपने $3 बिलियन मांग लिए। मैं आपको बता दूं, अरब लोग नाक पे मक्खी नहीं बैठने देते, आपसे बदला वो पूरा लेंगे, और इसी की वजह से डॉलर की कदर में इजाफा हो रहा है, क्योंकि अबू धाबी वालों ने भी आपको मुंह नहीं लगाया और सऊदी वालों ने भी आपको मुंह नहीं लगाया। पाकिस्तान मर रहा है, पाकिस्तान आखिरी सांसें ले रहा है, पाकिस्तान वेंटिलेटर पे। भारतीय मीडिया में पाकिस्तान की खासी बेइज्जती की गई है, और चाइना वाली कंपनियों ने स्पष्टली पाकिस्तानियों को बोल दिया है कि हमारे $300 बिलियन पाकिस्तानी रुपीज वापस दे दो, नहीं तो तुम्हारे पाकिस्तान से सारी की सारी बिजली हम चूस लेंगे। खून तो तुम्हारा चूस लिया, अब तुम्हारी बिजली भी चूस लेंगे, मतलब पावर कट कर देंगे। अब आप चले जाओ, अब आप चले जाओ चीन के पास, चूचा पूचा पूचा करते हुए चले जाओ। उन्होंने वही दिखाना है आपको, क्या दिखाना है समझ गया, बाहर का रास्ता निकल लो। तो ये खबर सुनते पाकिस्तानियों को, जो पाकिस्तानी चीनी भाई भाई, पाकिस्तानी चीनी जिंदाबाद के जो नारे लगते थे वो सारे हो गए काफूर, और पाकिस्तानी आवाम भड़क गई, और इस भड़कने का आप और हम लेंगे आनंद। तो ये मजा दिलाने में हमारी मदद करेगी रिबाह इमरान, जो पाकिस्तान की बहुत अच्छी पत्रकार है, और वो पब्लिक के बीच में गई है हमारे लिए। तो आइए और आप और हम भी चलते हैं। सर मेरे आज के प्रोग्राम का बेसिकली सवाल ये है कि अगर बात करें हम इलेक्ट्रिसिटी की, तो आपको पता है पाकिस्तान में जो पावर जनरेशन के जो प्लांट्स हैं वो चाइना के सारे लगे हुए हैं, और चाइनीज़ कंपनीज़ ने पाकिस्तान को थ्रेट किया है कि अगर इस महीने उनके ड्यूज़ क्लियर नहीं हुए, 300 बिलियन पाकिस्तानी रुपये के जो हैं उनके ड्यूज़ क्लियर ना हुए तो वो इलेक्ट्रिसिटी बंद कर देंगी। ये थ्रेट कर रही हैं चाइनीज़ कंपनीज पाकिस्तान को। आप क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? मैं यही कहना चाहूँगा वो हक़ पे हैं, ठीक कह रहे हैं। अगर उनका ड्यूज़ रहते हैं तो हमें देने चाहिए, हमें वो हमारी हुकूमत को चाहिए कि उन्हें क्लियर करें। भाई तुम्हारी हुकूमत भी कहाँ से क्लियर करेगी, तुम्हारी हुकूमत तो खुद भूखी नंगी कटोरा ले लेके घूम रही है। सऊदी अरब गए थे, अभी पैसा मांगने, देने से मना कर दिया, गजब बेइज्जती। तो भाई तुम्हारी हुकूमत के भरोसे मत रहो। मुझे तो ये लगता है जिस तरह के हमारे हालात चल रहे हैं ना, मुझे तो नहीं लगता वो मतलब पूरा होगा, कर्जा दे सकेंगे, और मुल्क के हालात जिस तरह के हैं, और यहाँ पर तो मतलब हर चीज़ ऐसे महंगी भी हो गई है, कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन मसले बढ़ते जा रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि, और मुझे ये भी लगता है कि वो ठीक कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं। पाकिस्तान ने सिर्फ कर्जा ही तो लिया हर किसी से, और पे तो किसी को करता कुछ नहीं है। तो आई थिंक सही है, यहाँ फिर अब उन्हें जहाँ इतना सब्र किया वहाँ कुछ देर और सही। ये खातून प्योर पाकिस्तानी है, इसको पूरा यकीन है अपने मुल्क के ऊपर, अपने मुल्क की सरकार के ऊपर, कि हम पे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि है ही नहीं हमारे पास, भूखे नंगो। आपको नहीं लगता कि हम बड़ा ये स्लोगन करते होते थे कि पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद, और इस तरह के नारे लगाते होते थे, तो आज वो पाक चीन दोस्ती कहाँ पर स्टैंड कर रही है? क्या कहेंगे, वो कहाँ गई वो दोस्ती, वो मोहब्बत, वो सारी चीज़ें जिस पे हम लोग कहते थे पाक चीन दोस्ती भाई बहुत बेहतरीन है, और हम उसको जो है ना बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट करते थे। फूल देते हो, फूल लेते हो, और दूसरों को फूल समझते हो। सही कह रही हैं, ये दोस्ती तो है, लेकिन देखिए जैसा कि आजकल दुनिया में सब कुछ चल रहा है, हर कोई सिर्फ अपने मुफाद के लिए सोचता है, कोई दूसरे का नहीं सोचता। ये सिर्फ बातें रह गई हैं पाक चीन दोस्ती। हाँ ये भी कहा जा सकता है चाइना ने हमारी बहुत सारी हेल्प की है, पाकिस्तान ने भी चाइना की काफ़ी की होंगी, लेकिन अब सिर्फ हम यही कह सकते हैं कि हर कोई सिर्फ अपने मुफाद का सोचता है, कोई एक दूसरे का नहीं सोच रहा। ये सिर्फ ये दोस्ती, ये सारा कुछ ना, ये सिर्फ किताबों की हद तक ज़्यादा रह गया। नहीं, और लगा लो पाक चीन दोस्ती की जिंदाबाद के नारे, और लगा लो पाकि चीनी भाई भाई, पाकि चीनी भाई भाई। अब चाइना ने दे दिया डंडा। तो जो है ना, अगर ऐसा होता है तो पाकिस्तानी मायशत को बड़ा नुकसान होगा, और अगर ऐसा होता है तो इससे पाकिस्तान की मायशत को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ सकता है। मैं समझता हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए तो, और इस तरह नहीं करना चाहिए क्योंकि पाक चीन दोस्ती के हमने बड़े जो है ना नारे सुने हैं, बड़े तराने सुने हैं कि पाक चीन दोस्ती के चर्चे हैं बड़े, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि एक बड़ा ही गैर मुनसिफाना बात है ये। भाई ये मुनसिफाना ये और ये फुंसी खाना वाली बातें तो हमारे को समझ में आती नहीं है, लेकिन मेरे को ये बताओ तुम्हारे पास अचकन खरीदने के पैसे आए कहाँ से भाई? नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का। इतनी बढ़िया अचकन तुमने खरीदी कैसे? मैं नहीं बताऊंगा। ये तो बता दो भूखे रंगो, पैसे तो होते नहीं तुम्हारे पास में, कहाँ से लाया भाई ये इतनी बढ़िया अचकन? सब जानना है इस बड़वे को, हरामी कहीं का। आपको नहीं लगता सर हमको चाइना पे ज्यादा ही डिपेंड कर रहे हैं आज की डेट? क्योंकि हम एक ना वही शबाशी वाली बात है कि हम बैगर्स हैं बेसिकली, क्योंकि हम अभी अब खुद मुख्तार अभी हमारे अंदर शौक नहीं है और हम हमारे अंदर उतनी हमारी जो है मायशत जो है इतनी मुस्तकम नहीं है, तो दैट्स वाई कि हम उन पर डिपेंडेंट। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात मेरे भाई, बिल्कुल सही बात है यार। कोई आदमी तो मिला ऐसा जो ये बोलता है कि हम भिखारी मुल्क है और हम खुद मुख्तार नहीं है, हम भूखे नंगे हैं। बहुत बढ़िया लगा भैया, बहुत बढ़िया, सच को कबूल करो। मतलब हम देखते हैं हमेशा, हम कहते हैं मैंने तो बड़ा स्लोगन सुना है पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद इन ऑल दैट, तो आज वो जिंदाबाद दोस्ती कहाँ पे चली गई, क्या कहेंगे? पाक चीन दोस्ती मैंने एक बचपन में सुना था, एक तराना टाइप था कि जब भी आती है लेके जाती है पाक चीन दोस्ती, आपने भी सुना होगा। तो वो काफ़ी एक उस टाइम ना एक बड़ा ही एक पॉजिटिव इमेज आता था इसका चाइना का, लेकिन आज जो आपने बात की तो मुझे एक तो दिली ठेस पहुंची है इस बात पे कि अगर ऐसा होता है तो पाकिस्तान की मायशत को बहुत गहरा नुकसान उठाना पड़ सकता है और ये हमारी आने वाली हो सकता है नस्लों को भी इसका अजाला जो है ना बर्दाश्त करना पड़े। ये अचकन पहना हुआ भाई बिल्कुल सही बोल रहा है और काफ़ी समझदारी की बातें करी। हम अप्रिशिएट करते हैं इस लोगों को जो समझदारी की बातें करते हैं, पढ़ी लिखी बातें करते हैं और समझते हैं हालातों के बारे में। शाबाश बेटा, अच्छी बात को, अच्छी चीज़ों को हम हिंदुस्तानी बहुत जल्दी से प्रमोट करते हैं, तो हमारा हर बात के लिए पाकिस्तानियों का मजाक नहीं बनाते। बात तो सही है। आपको नहीं लगता कि हम कुछ ज़्यादा ही चाइना पे डिपेंड कर रहे हैं? एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसा ही है। हर चीज़ लेनी है वो हम कोई अमेरिका से ले रहे हैं, कोई चाइना से ले रहे हैं, कोई कहीं से ले रहे हैं। हमारा अपना तो कुछ भी नहीं, मुझे लगता कुछ भी नहीं है पाकिस्तान के पास। है ना पाकिस्तान के पास में है ना, आतंकवाद है, जिहाद है, बेहतर हो रहे हैं, वो भी 133 फीट की, क्या नहीं है पाकिस्तान के पास में। पाकिस्तान में तो हूरे गली गली में घूम रही है, एक हूर डांस इस बात पे बनता है मैडम। जिस तरह चाइना पे डिपेंड है, इसका हमें फ़ायदा है कि ये नुकसान? नहीं, हमें बहुत नुकसान है क्योंकि हमारे जो यूथ है उसको मतलब उनके अंदर जितना भी सारा कुछ है वो मतलब हम लोग खुल के बाहर नहीं अपना ला सकते। हर चीज़ चाइना से ले रहे हैं, चाइना ये कर, हर अब देख ले इवन के हमारे मोबाइल्स हैं वो भी मेड इन चाइना आ रहा है। बचपन से लेकर अब बड़े हो गए अब तक हो गए मेड इन चाइना, मेड इन चाइना, मेड इन चाइना। पाकिस्तान की कोई भी प्रोडक्ट लेने चाहे तो कहते थे पाकिस्तान की नहीं हमने लेनी, ये ख़राब नहीं। पाकिस्तान अब कम ही देखने को मिलता है, हर चीज़ में मेड इन चाइना, मेड इन चाइना। तो मतलब मुझे लगता है हर चीज़ पर हमें डिपेंड, हम ना जैसे वो कहते हैं ना जैसे इंसान को जिंदा रहने के लिए रोटी पानी और खुराक इस चीज़ों की जरूरत होती है। मुझे लगता है शायद हमें सर्वाइव करने के लिए चाइना की कुछ ज़्यादा ही जरूरत पड़ गई है। और मेड इन चाइना, मेड इन चाइना, मेड इन चाइना की बात छोड़ो मैडम, मेड इन चाइना तो आपके देश में अभी बच्चे भी होने लगे। आपकी गवर्नमेंट हज़ारों लड़कियों को जो अवैध रूप से चाइना बेचती है, वहाँ पे चाइना के अंदर लड़कियों की कमी है और पाकिस्तान में लड़कियाँ ज़्यादा है तो वहाँ बेचती है, तो तुम्हारे बच्चे भी चाइनीज प्रोडक्शन होने लग गए। थोड़े टाइम के बाद में पाकिस्तान के अंदर चाइनीजों ने अपनी बस्तियाँ बसा ली है तो वहाँ पर भी चाइनीज बच्चे निकलेंगे और निकलने शुरू हो गए होंगे भाई, वो हमको क्या मालूम हो गए होंगे। म्यूजिक भारत की बात करें पावर जनरेशन के मामले में एक साथ अलग हुए हैं हम, इंडिया पाकिस्तान एक साथ अलग हुआ है और आज पावर जनरेशन के मामले में इंडिया जो है वो इतना आगे निकल चुका है, क्या कहेंगी आप? एक्चुअली ना सबसे बड़ी बात पता है क्या, हमारी मुल्क में ना हमें अपने आप पे यकीन ही नहीं रहा कि हम लोग ये कर सकते हैं। ठीक है, वो जो कंट्री है ना उसने अपनी यूथ को आगे लेकर आया, ठीक है, उनके माइंड के मुताबिक चला, हर चीज़ उसने उसको इतना ट्रस्ट है। अगर वो लोग एक चीज़ मतलब अब इंडिया की आप मूवीज़ के बारे में देख लें और पाकिस्तान का कंपेरिजन कर लें, उनकी ज़्यादा बेटर है। हालाँकि आपने जैसा कि बोला कि पाकिस्तान और जो इंडिया है वो एक साथ आज़ाद हुआ था, ठीक है, लेकिन हम ये देखें ना तो वो लोग अपने ऊपर ज़्यादा डिपेंड करते हैं। उन लोगों में ये कॉन्फिडेंस है कि हम लोग ये कर सकते हैं, पाकिस्तान में ये कॉन्फिडेंस बहुत लूज़ है। हम लोग अगर कहीं चले जाएँगे, अब जैसा कि आप देख लें, हमारा वज़ीर आज़म का ही ले लेते हैं, ठीक है, एक पढ़ा लिखा हुक्मरान हमारे मुल्क में आया है। हमारा ये मानना है कि पढ़ा लिखा जो इंसान है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से चीज़ को हैंडल कर सकता है, लेकिन वही क्या हुआ, फिर से वही सब कुछ हो गया, करप्ट लोग आ गए, उन्होंने इसको हटा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो इसका ये मतलब है ना कि हम लोग मतलब कुछ भी नहीं कर सकते। बेचारी का इमरान खान के जाने से दिल टूट गया है, तो इमरान खान को वापस लाओ, चुनाव कराओ। पाकिस्तानियों, मैं तुमसे बोल रहा हूँ, क्योंकि इमरान खान हमारे देश के लिए, हिंदुस्तान के लिए भी बहुत अच्छा था। वो तुम्हारी आर्मी को गाली पढ़वाता था और पढ़वाता है और पढ़वाता रहेगा। पहली बार ऐसा कोई प्रधानमंत्री आया पाकिस्तान का जो अपनी देश की आवाम को अपनी आर्मी के खिलाफ खड़ा कर सका है, तो वो इमरान खान था। तो इमरान खान को वापस लाओ पाकिस्तानियों, बेशर्मो। क्या बात है। तो दोस्तों, पूरा वीडियो देखने के बाद में एक बात तो समझ में आ गई, पाकिस्तान की हालत बद से बदतर होती जा रही है। ये लोग बातें करते हैं बड़ी बड़ी, सोशल मीडिया पे आके, प्रिंट मीडिया में आके, बड़े बड़े टेलीविजनों में आके, इनकी बड़ी बड़ी पत्रकार साहिबा जो बड़ी बड़ी धमकियाँ देती है। असल में तो ये पूरी तरीके से खोखले हो चुके हैं, पूरी तरीके से चाइना पर डिपेंड हो चुके हैं। इनके पास में कुछ नहीं है सिर्फ भौंकने के सिवा, और ये सिर्फ भौंक ही सकते हैं। ये भी ठीक है। और आप लोगों के क्या विचार है वीडियो देखने के बाद में, वो कमेंट बॉक्स में उतार दीजिए, क्योंकि आपके कमेंट करना बहुत ज़रूरी है। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात, आप वीडियो को लाइक मत करो, चाहे चैनल को सब्सक्राइब मत करो, लेकिन एक शेयर जरूर कर दिया करो बस। जहाँ भी आप कर सकते हो, चाहे इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंटर जहाँ भी कर सकते हो कर दो, ठीक है। और मेरा इंस्टाग्राम का लिंक नीचे, और जो पहले 50 लोग मुझे फॉलो करेंगे उनको मैं फॉलो बैक भी दूँगा। आप लोग अपना ख्याल रखिए। आपका भाई आपके लिए पाक मीडिया से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।